हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पगनी 07 ऑफिशियल में। तो सुबह का टाइम है और हम लोग जा रहे हैं गांव, और बहुत दिनों के बाद हम लोग गांव जा रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। मैं अपने गांव का कहाँ मैं जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, तो आपको मैं पूरा बताऊँगा। तो चलते हैं अभी हम लोग, अभी ट्रेन पकड़ लेते हैं। फ्रेंड देख सकते हैं कि अब फगुनिया का फैन मिल चुके हैं यहाँ पे, और हम लोग गांव जा रहे हैं। तो अभी मिल के इनसे भी बहुत खुशी हुआ। कहाँ से हैं आप? धनबाद से हैं। तो चलिए फिर से मिलते हैं। तो फ्रेंड यही ट्रेन है, इसी से हम लोग गांव जाने वाले हैं। तो अभी हम लोग फगुनिया बैठ चुकी है बोगी में, और हम अभी बाहर में हैं। तो चलते हैं हम भी अंदर, और बने रहिएगा ब्लॉग में, और आपको लेके चलते हैं हम अपने गांव। फ्रेंड पहुंच गए हम लोग मधुपुर, और यहां पे शायद 2-3 मिनट ट्रेन रुकेगी। तब तक जीवा के लिए कुछ खाने के लिए हम लोग ले लेंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं दक्ष सो के उठ गया है और काफी ज्यादा परेशान कर रहा है ना। और अब हम लोग पहुंच गए हैं जस्सीडीह। तो अभी ट्रेन लगने वाली है, और अभी थोड़ा 1 घंटा और लेट होगा हम लोग को झाझा पहुंचने में। तो अभी चलते हैं दक्ष के साथ, थोड़ा सा मस्ती कर लेते हैं, खेल लेते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं जस्सीडीह बाबा धाम, यानी कि देवघर। यहां से देवघर मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, झाझा पहुँच गए, और ये अभी उतरी है, थक गई, तो बोली थोड़ा आराम कर लेते हैं और कुछ देखते हैं खाने पीने का, तो कुछ खा पी लेते हैं। और जीवा भी उधर बैठी है, दक्ष को भी भूख लग गया है, इसको और अभी नींद आ रहा है, क्योंकि हम लोग 3 बजे सुबह गाड़ी पकड़े थे, और अभी हम लोग झाझा पहुँच गए हैं। तो अभी चलते हैं, अभी हम लोग कुछ खा लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर चलेंगे, यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे, फिर ऑटो से अभी तो घर नहीं पहुँचेंगे, चलते हैं अभी हम लोग ऑटो पकड़ते हैं। फिर जीवा के लिए ले लिए हैं कैसे का स्लाइस, बहुत परेशान कर रही है, और तो फगुनिया के लिए ले लिए हैं हम कचौड़ी, क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा था, तो ये खाएगी तो थोड़ा सा इसको भूख कम लगेगा। लो आप देखिए दक्ष कैसे करेगा, दक्ष खा लो बेटा, अरे अरे आराम से आराम से, खाने के लिए कैसे कर रहा है। तो पहले खा लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो में बने रहिए। फ्रेंड देखिए फगुनिया खा रही है कचौड़ी, और दक्ष भी पी लिया, अपना कोटा पूरा कर लिया, दूध पी करके देखिए ख़त्म कर दिया, और जीवा उधर क्या कर रही है, फ्रूटी पी रही है अकेले बैठ के, किसी को दे नहीं रही है। तो अभी हमको भी भूख लगा, तो हम खाते हैं अपना स्पेशल। तो इतना ज़्यादा प्यार मत करो भीड़ में। तो अभी हम खाएंगे चना, क्योंकि मेरा फेवरेट जो है चना है। तो और जब भी हम स्टेशन आते हैं या कहीं भी आते हैं, तो हम चना खाते हैं। तो अभी देखते हैं कहीं पे चना मिल रहा है, तो वहाँ से हम चना खाते हैं लेकर। अभी मेरा ट्रॉली भी चल चुका है, देख सकते हैं, और फगुनिया आगे आगे चल रही है। तो हम लोग अब चलते हैं स्टेशन के बाहर और ऑटो पकड़ेंगे। आ जा जीवा, जीवा कोई बात नहीं, आ जा जीवा, बोतल ढोने वाले हो गई। तो चलते हैं फटाफट बाहर। तो बैग को यहाँ पे रख दिए हैं, और देखते हैं कोई ऑटो ऑटो वाला अगर जाए तो ठीक है, मैं रिजर्व कर लूँगा उसको, अभी देखता हूँ उधर जाके। फ्रेंड हम लोग बैठ चुके हैं टोटो में, और दक्ष को भी बहुत गर्मी लग रहा है, और ये भैया का टोटो है, अब देख सकते हैं, और ये टोटो चलाते या हीरो है हमको समझ में आ रहा, कंफ्यूज हो गए हैं। तो चलिए भैया जी जल्दी चलते हैं। फ्रेंड अभी हम लोग झाझा स्टेशन से निकल चुके हैं, टोटो कर लिए हैं, क्योंकि ऑटो वाला जा नहीं रहा था उधर। तो फ्रेंड अभी हम लोग तो यहाँ से झाझा से निकल चुके हैं, और सोनो के लिए रवाना हो चुके हैं, अभी सोनो में जाएंगे हम लोग,
फिर वहाँ से एक गाड़ी हम लोग को करना पड़ेगा दूसरा अपने गांव जाने के लिए। तो देखते हैं वहाँ पे गाड़ी मिलता है कि नहीं। जीवा नदी में खेलेगी तुम? नहीं तो जीवा को उतार देते हैं नदी में। और दक्ष गया है सो, इसको हवा लग रहा है, खुला खुला हवा लग रहा है, आई सो गया है आई। तो इसको भी थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा ना, नहीं आ रहा है? नींद आ रहा अभी। हम लोग पहुंच चुके हैं सोनो मार्केट और यहाँ से अभी हम लोग यही ऑटो वाले बोले भैया के घर पहुंचा देंगे, घर चले जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये भी बाज़ार है। और जीवा कुछ लेना है अभी बाज़ार में बेटा? हाँ कौन कपड़ा लेगी बोलो, कपड़ा लेगी? तेरे पास है बेटा? इसका मतलब जीवा समझदार हो गई है, कपड़ा नहीं लेगी। तो यहाँ पे देखते हैं कोई दुकान में रुकते हैं, मिठाई का दुकान में, और मिठाई उठाई थोड़ा ले लेते हैं। तो ले लेते हैं थोड़ा रसगुल्ला रसगुल्ला क्योंकि बच्चे लोग हैं घर में। तो ये वाला रसगुल्ला ले लेते हैं बड़ा बड़ा वाला। बहुत सारे मिठाई भी है यहाँ पे। तो जीवा के लिए ले लिए हैं दो रसगुल्ला, वो खाएगी क्योंकि वो उसको भूख लग गया होगा। जीवा तुम भी मुँह मीठा कर लो बेटा, रुको रुको मम्मी का हाथ में दो अंत गिरा देगी तुम। लो दक्ष भी उठ चुका है, वो भी खाएगा। अच्छा से पकड़ो गिरेगी। तो जीवा मजे से खा रही है, तो देख सकते हैं इसका मुंह में आट नहीं रहा है, एक ही बार में ही ले लिए पूरा। पानी का पीछे हुआ। तो अभी हम लोग सोनो मार्केट से बाहर निकल रहे हैं, काफ़ी अच्छा खासा मार्केट है ये। बहुत दिनों के बाद हम भी आए हैं तो काफ़ी कुछ बदल चुका है। अभी हम लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, ऐसे जम्मू का करपटिया बोलते हैं, जो आप लोग हाल फिलहाल न्यूज़ में सुने होंगे कि यहाँ से अंदर से सोना निकल रहा है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कहाँ से सोना निकलता है अंदर से, तो बने रहिएगा भी हमारे ब्लॉग में। अभी जस्ट थोड़ा सा एक दो मिनट के अंदर आने वाला है। तो यही जो वो जंगल है जिसका मैंने अभी जिक्र किया था कि सोना निकलता है, तो इसी के अंदर खोदने के बाद सोना निकलता है। लेकिन यहाँ हम लोग ऐसे खुदाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ प्रशासन बहुत कड़ी निगरानी में रखता है और बहुत बड़ा जंगल है ये। ये भी बोल रही है कि हम यहीं रह जाते हैं। हाँ सोना कोड़ेगी तुम? तो फ्रेंड बहुत देर के बाद अब हम लोग अपने गांव पे प्रवेश कर चुके हैं और बस थोड़ा देर में हम पहुंच जाएंगे अपने घर। ग्राउंड जो देख रहे हैं यहाँ पे मैंने बहुत क्रिकेट खेला और यहाँ हर एक बार टूर्नामेंट होता है जिसमें मैं धनबाद से यहाँ पे हमेशा खेलने के लिए आता हूँ। हाँ उधर पहुंच चुके हैं हम अपना घर, और ये है मेरे चाचा जी का घर, और इधर मेरा भाई खड़ा है। तो अभी चलते हैं हम अपना घर तरफ, और इसके पीछे जस्ट मेरा घर है। फ्रेंड देखिए आपको मैं अपना रूम दिखाता हूँ, और जैसे आइए पूरा
झाड़ू पोछा करने लगे, क्योंकि देख सकते हैं बहुत दिनों के बाद हम लोग आए हैं अपना गांव। और सब में इधर देखिए क्या हो गया, पूरा जाला पड़ गया देख सकते हैं आप, और ये पूरा झाड़ने में लगी है। अब हम लोग कुछ दिन यहीं पे रहेंगे तो इसीलिए थोड़ा सा साफ सफाई तो बनता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। तो देख सकते हैं पूरा जाली उली लगती है, एक बक्सा वो रखी है अपने लिए। देख सकते हैं चौकी पे कितना गंदा है। अब देख सकते हैं कि ये पूरा रूम को पानी से पूरा धो दी है, तब जा करके रूम ठीक हुआ। और देख सकते हैं कितना पानी पानी हो गया है रूम, गंदा भी बहुत निकला। फ्रेंड देखिए आप कि फगुनिया ने पूरा घर साफ कर लिया है, और ये बेड उड लग गया हम लोग का। और तो आज के लिए हम लोग का ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।